हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेके आऊं अनपॉज्ड का सिनेमा रिव्यू। ये मूवी पांच शॉर्ट मूवीज का एक कलेक्शन है। ऐसा पहले भी होता रहा कि बॉलीवुड ने इस टाइप के एक्सपेरिमेंट किए हैं। आपको याद होगा एक मूवी होनी थी 10 कहानी, जिसमें 10 अलग अलग कहानियां थी। अनपॉज्ड के अंदर जो पांच छोटी छोटी मूवी हैं, उनका अगर आप देखेंगे तो उनका जो पूरा संबंध है वो COVID-19 से है, लॉकडाउन से है, उसके उपजे हुए हालातों से है कि क्या क्या सिचुएशन हो गई, लोगों के पास खाने को नहीं है, जो गरीब लोग हैं उनके पास काम करने को कोई चीज नहीं बची है, तो ये सारी चीजें हैं। और उसके साथ साथ जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए क्या क्या सिचुएशन है, जो लोग अकेले रह गए हैं इस हालात में उनके साथ क्या क्या हो रहा है, तो वो सारी चीजें मुझे लग रहा है इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाई हैं। जनता कर्फ्यू को भी दिखाया है, लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस जारी होती है वो सारी चीजों को उन्होंने अच्छे से दिखाया है। स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी का रिव्यू। इस पहली स्टोरी को डायरेक्ट किया है राजन डीके ने, और उनका डायरेक्शन मुझे अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने कुछ एडवांस चीजें सोच के रखी और उसको एग्जीक्यूट भी किया। ऐसा ही नहीं कि उन्होंने कुछ चीजें दिखाई कि इतने टाइम तक कोरोना वायरस फैला रहा है दुनिया में, और चीजों में उन्होंने टेक्निकली जो इम्प्रूवमेंट थे वो चीजें दिखाई, वो वॉइस असिस्टेंस के रूप में भी देख सकते हैं, और बाकी का जो वर्चुअल रियलिटी हम लोग बोलते हैं उस चीज को भी उन्होंने इसमें यूज किया है। इसके लिए तारीफ होनी चाहिए गुलशन और साइमी की, दोनों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, और उसके साथ साथ माला जो इनकी वॉइस असिस्टेंस बनी हुई है, तीनों की बेहतरीन परफॉर्मेंस। दूसरी स्टोरी का नाम अपार्टमेंट है और उसको डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। इसमें तीन लोग आप देख सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रही, ऋचा चड्ढा थी, सुमित ब्यास थे और इश्वाक सिंह, इन तीनों की परफॉर्मेंस अच्छी रही। अपार्टमेंट की स्टोरी में इन्होंने हाईलाइट किया है मीटू एलिगेशन को और कैसे उसके अगेंस्ट फाइट करनी है, कैसे उसके अगेंस्ट आपको कुछ करना है, वो चीज दिखाई, और उसमें साथ साथ COVID-19 का भी उन्होंने इनपुट ले रखा है। तीसरी कहानी का नाम है रैट अटैक, जो एक चूहे के ऊपर बेस्ड है, और इसको डायरेक्ट किया तनिष्ठा चटर्जी ने। इसकी स्टोरी बेस्ड है, एक लड़की है जो चूहे से बहुत परेशान है, फिर वो अपने पड़ोसी घर में रहती है और वो पड़ोसी बहुत ही खड़ूस है, और उसके साथ फिर रहने पे क्या होता है, कैसे उनका सामंजस्य बनता है, उसी का ताना बाना इस पूरी स्टोरी में है। चौथी स्टोरी का नाम है विषाणु। हम लोग वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं, और अगर देखा जाए तो कोरियन मूवी जो पैरासाइट आई थी उससे इसका काफी कुछ आप कह सकते हैं रिजेम्बलेंस है, जैसे कि उसमें मालिक जब घर छोड़ के चले जाते हैं तो नौकर उनके पूरे घर में ऐसे रह रहे होते हैं, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहां दिखाया गया। बस इसमें सिचुएशन ये है कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों के पास रहने को घर नहीं है, देने को पैसे नहीं है रेंट के, तो वो लोग अपने मालिक के घर में जाकर चुपचाप जाके रह रहे होते हैं, तो वो चीज यहाँ पे दिखाई गई है। कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बोला हूँ कि कॉन्सेप्ट नया नहीं लगा मुझे, क्योंकि ये चीज अपने पैरासाइट में देखी है, तो वो चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस वाइज मुझे जो लीड रोल में अभिषेक बनर्जी थे और गीतिका विद्या, उन दोनों की परफॉर्मेंस लीड रोल में अच्छी लगी, जो एक गरीब की एक चाहत होती है अमीर के जो शौक सुविधाओं को देख के, वो सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से पिक्चराइज की गई। अब बात करते हैं आखिरी स्टोरी की, जिसका नाम है चांद मुबारक। इस स्टोरी को डायरेक्ट किया है नित्या मेहरा ने, और उन्होंने एक ओल्ड एज लेडी है और एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर है, उन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो दिखाई है, कैसे वो लॉकडाउन में उनकी हेल्प करता है, कैसे वो उसके रोजे में शरीक होती है, वो सारी चीजें उन्होंने अच्छे से दिखाई। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जो बॉलीवुड है वो उस चीज से अभी भी ओवर नहीं पाया, वो हमेशा से उस चीज को ओवरकम करने की कोशिश करता है कि बहुत अच्छे मुसलमान होते हैं, लोग उनको गंदी नजर से देखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जितने वो जस्टिफाई करेंगे वो चीज उतनी ही ज्यादा लोगों के दिमाग में बैठेगी। आप उस चीज को छोड़ दें अगर, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा रहता, वो चीज वो पकड़ के बैठे हुए हैं। परफॉर्मेंस में देखा जाए तो रत्ना पाठक और सरदुल भरद्वाज दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, तो देखा जाए डायरेक्शन अगर पांचों स्टोरी का देखा जाए तो अच्छा था, कुछ नया ट्राई किया गया, लॉकडाउन को लेके उसके इर्द गिर्द सब कुछ रखते हुए उन्होंने उस चीज को एग्जीक्यूट किया, और मुझे लगा कि वो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था। स्टोरी जैसा मैं देखूं अच्छा कॉन्सेप्ट था, उसी लॉकडाउन को लिंक करते हुए उन्होंने कुछ अपनी स्टोरी में लिखा है और उसको उतने कम टाइम में उसको एग्जीक्यूट भी किया गया, तो ये चीज बहुत अच्छी चीज मुझे लगी मूवी को देख के। इसके साथ परफॉर्मेंस भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो हर एक बंदे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ओवरऑल अगर देखा जाए स्टार कास्ट काफी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हर एक बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई किया है। हर एक स्टोरी में एक गाना डालने की कोशिश की गई, एक या दो गाने हैं ऐसा कुछ आप देखेंगे हर एक मूवी के एंड में या बीच में आता है, और वो गाना ठीक है, उसको जस्टिफाई करता है उस स्टोरी के सेंटर आइडिया को,
वो भी एक अच्छा एक अटेम्प्ट मैं कह सकता हूँ। अब बात करते हैं रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूँ 3.5 स्टार 5 में से। आपकी कोई भी सुझाव हो तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको फेसबुक के पेज सिनेमा पे भी मिलूंगा, वहां पे भी अपने आप कमेंट छोड़ सकते हैं। जल्दी आऊंगा अगला सिनेमा रिव्यू लेकर, तब तक के लिए आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।